इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं अनु कपूर आपका स्वागत करता हूं जी मीडिया की इस नई प्रस्तुति में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किससे कामयाबी की। मेहरबान दोस्तों, जिस तरह जंगल में आग लगने के लिए सिर्फ एक चिंगारी ही जरूरी होती है, सिर्फ एक चिंगारी, वैसे ही कोई बात, कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई व्यक्ति हमारे अंदर की सोई प्रतिभा और शक्ति को जगाने के लिए काफी होता है। न जाने कब किस मोड़ पर कोई मिल जाए जो हमारे जीने का नजरिया बदल दे, देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव चेंज कर दे। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात उद्योग जगत के ऐसे कामयाब लोगों से कराएंगे जिनकी कहानियां जीवन प्रेरणादायक है। इन्होंने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी, इन्होंने लाखों लोगों को मोटिवेट किया, बिजनेस यानी कारोबार की दुनिया में अपने उत्पाद और सेवा की चमक से देश दुनिया की निगाह अपनी तरफ खींचने वाले ऐसे ही लोगों पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किससे कामयाबी के। आज जो हमारे कथानायक हैं वो हैं सूरत की आरके इंफ्राटेल लिमिटेड के सीएमडी श्री राजेंद्र नरोत्तम दास सेठ। श्री राजेंद्र नरोत्तम दास सेठ के साथ ही आज ये नई श्रृंखला जी मीडिया पर शुरू होती है जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किससे कामयाबी के। जोरदार तालियों के साथ मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। आइए सेठ साहब, स्वागत है आपका इस शो में। आइए पधारिए। आज आपके साथ ही ये एक नई सीरीज शुरू हो रही है। इससे पहले कि आपके साथ बातचीत हो, छोटी सी एवी आपके लाइफ स्केच पर बनाई है, आइए देखते हैं। पंद्रह अगस्त 1964, गुजरात के पाटन जिले में राधापुर तालुका के भिलौट गांव में एक किसान परिवार में राजेंद्र नरोत्तम दास सेठ का जन्म हुआ। आपके पिता श्री नरोत्तम दास खेती के साथ साथ किराने की दुकान भी चलाते थे। आपने 9वीं तक पढ़ाई करने के बाद अपना काम करने का मन बनाया। व्यापार की सीख आपने अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने से ली। 1980 में सूरत की एक फर्म में आपने हीरो को तराशने का काम शुरू किया। 1988 में हीरो के कारोबार में आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसके चलते आपने ये कारोबार छोड़ने का फैसला लिया। आने वाले कल को देखते हुए 1992 में आपने केबल टीवी नेटवर्क का कारोबार शुरू किया। 200 कनेक्शन से शुरू किए गए बिजनेस को आपने अपनी मेहनत और लगन से 1998 में 10,000 ग्राहकों के बिजनेस में तब्दील कर दिया। साल 2000 में आपने अपने नेटवर्क को कॉपर केबल की जगह ऑप्टिकल फाइबर से अपग्रेड किया। 2008 में आपने अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का विस्तार करना शुरू किया। 2012 में आपने सूरत ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर सूरत सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम किया। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक वक्तव्य में आपके काम को सराहा है। राजेंद्र भाई, ये आपकी अनोखी दास्तान, मतलब जीवन इतना सा था उसको इतना व्यापक कर दिया है। आप बताएं कि कहां से शुरुआत हुई, 9वीं कक्षा तक पढ़े, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये प्रेरणा कहां से मिली आपको? मेरा जन्म पाकिस्तान की बॉर्डर से नजदीक भिलोट गांव में हुआ है। हाँ। जिसकी पॉपुलेशन
2000 लोगों की थी और मैं छोटा था तब से 12 साल की उम्र से अपने पिताजी की किराने की दुकान थी और उनका खेतीबाड़ी का कारोबार था। तो सुबह में मैं स्कूल का बैग लेके पिताजी की दुकान पे चला जाता था, साफ सफाई करके वहाँ से सीधा स्कूल जाता था। फिर हमारा गांव में कुछ आगे के ग्रोथ के लिए कहीं हमें, ये छोटा सा शहर है यहाँ पे कुछ उनकी ग्रोथ नहीं होगी, तो पिताजी ने मुझे सूरत शहर में भेजा। वहाँ आके मैंने अपने शुरुआत सूरत में डायमंड बिजनेस से अपनी करियर की शुरुआत। सूरत तो डायमंड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सेंटर जी। कारोबार में मुझे बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ और फिर मैंने डिसाइड किया कि जब ये बिजनेस में मैंने पैसा और इज्जत दोनों चीज गवाया है तो फिर उसमें क्यों कंटिन्यू रहने का। तो हम दूसरे बिजनेस की तलाश कर रहे थे, तो हमने फिर बाद में एक टेक्सटाइल स्पेयर पार्ट का, टेक्सटाइलाइजिंग मशीनरी स्पेयर पार्ट का एक शॉप ओपन किया। डायमंड बिजनेस से एक डाइवर्सिफिकेशन ले लिया, फिर हम टेक्सटाइल बिजनेस में गए। टेक्सटाइल बिजनेस भी हमारा अच्छा खासा चालू हो गया था। 92 में मैंने फिर एक नया शुरुआत किया जिसमें केबल टीवी बिजनेस का एक इमर्जिंग शुरुआत था। वीडियो की एक चैनल से मैंने अपना वो बिजनेस शुरू किया, कमाई हो रही थी, वो कमाई को मैं सेव करके मैंने नया केबल टीवी ऑपरेटर्स को आउटराइट परचेज करने का, एक्विजिशन करने का स्टार्ट किया और मैंने उसमें 98 तक 10,000 कस्टमर का अपना बेस बनाया। 250 थे और 10 जगह पे 10,000 कस्टमर का बेस बनाया। मैंने 500 सीरीज का कॉपर केबल डाला था। वो कॉपर केबल में प्रॉब्लम ये होता था कि हम लोग जो एम्पलीफायर लगाते थे उसकी कैपेसिटी 500 मीटर की थी, जिससे हमारे कस्टमर को काफी परेशानियां भुगतनी पड़ती थी। तब मैंने सोचा कि इसमें अब कुछ ना कुछ नया रास्ता हमें देखना चाहिए। 2000 में हमें एक अच्छा ऑप्शन मिला कि जिसमें हमने फाइबर ऑप्टिक केबल सूरत से हजीरा तक अंडरग्राउंड डालने का प्लान किया। फाइबर का विजन पता चल गया था कि आने वाले टाइम में फाइबर का क्या रिक्वायरमेंट होगा, वो मेरा सिक्स सेंथ एकदम सिक्स सेंथ का। तब से मेरा एक एज अ बिजनेसमैन, क्योंकि हम लोग पैदाइशी बनिए MBA होते हैं तो सही है बिल्कुल। पैरेलली मैंने सूरत शहर में, जो इंडिया का पहला शहर है, पूरे सूरत शहर को अंडरग्राउंड फाइबर से डालना स्टार्ट किया। बट मेरा विजन क्लियर था कि जो आने वाला टाइम है वो पूरी टेक्नोलॉजी फाइबर के ऊपर कन्वर्ट होने वाली है। और इसके बाद 2012 में हमारे सूरत शहर में एंटरप्रेन्योरों का शहर है, तो हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने एक सुझाव रखा कि सूरत शहर को क्यों सेफ नहीं बनाया जाए। सूरत में जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट खड़ा हुआ वो इंडिया का सबसे पहला सेफ और सेफ सिटी है। वाह वाह, जिसमें हमने पूरे शहर को अंडर सर्वेलेंस से अभी कवर किया है। सूरत के 100.04 एग्जिट एंट्री पॉइंट को हमने कवर किया है, जिसमें पूरे शहर को पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एवरी एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट पूरा कवर किया है और उसका लाइव मॉनिटरिंग हो रहा है। 280 फीट का यहाँ वीडियो वॉल लगा है, उसको प्रॉपर वे में अभी मैनेज हो रहा है। फाइनली आप फाइबर के ऊपर आ गए, ये और जोखिम उठाया आपने, खूब जोखिम उठाया। डायमंड के अंदर तो तबाही हो गए थे और उसके बाद हमारा 25 लाख रुपए का कर्जा ही था, हमारे पास हाथ और पैर के अलावा कुछ भी नहीं था। ये जब जोखिम उठा रहे थे, रिस्क ले रहे थे, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? मेरे पिताजी, माताजी, मेरे भाइयों, मेरी बहनों का मुझे बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। चारों भाई 10 टाइप का बिजनेस देख रहे हैं बट चारों एकजुट में साथ में काम कर रहे हैं। मैं एक कंपनी को बिलोंग करता हूं, दूसरा भाई दो कंपनी देखता है, हर आदमी मतलब अपना अपना एक डिवीजन देख रहा है, तो हम पूरा फैमिली एकजुट है और तभी हम आज यहाँ पे। और उसके साथ में मेरा खुद का 500 लोगों का एम्प्लॉय का जो एक फैमिली है, वो उससे भी बड़ा मुझे सपोर्ट कर रहा है कि जो मेरे कोई भी चैलेंज को, मेरे कोई भी विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 24/7 रेडी है। टेलीग्राम भी देखा है, लाइटनिंग कॉल भी करते थे जो 12 घंटे के बाद लगता था वो भी देखा है, और आज वाइफ अच्छा सब्जी बनाती है तो उसका व्हाट्सएप पे फोटो डाल के अपनी दीदी को भेजती है। क्या बिल्कुल सही है। तो जमाना इतना फास्ट चेंज हो गया है और सर आने वाले टाइम में आप देखना आदमी पूरा ऑटोमाइज हो जाएगा। एक बात की तरफ ब्रेक से पहले इशारा करना चाहूंगा कि शिक्षा एकेडमिक क्वालिफिकेशन इनकी सिर्फ 9th तक थी। इससे लुब्बे लुबाब यही निकलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए शिक्षा एसेट हो जाती है, बेशक वो 9वीं क्लास तक पढ़े, और कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं, वो MSc भी कर डालें तब भी शिक्षा हो सकता है उनके लिए लायबिलिटी बन जाए, लेकिन इन्होंने अपनी शिक्षा को एसेट बनाया, ऐसा एसेट बनाया कि आज इस प्रोग्राम के कथानायक बनकर आपके सामने हैं उस शो में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से कामयाबी के
मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कन्विंस थे इनके विजन से? फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग उनके साथ बैठता था, पूरा प्लान हम सब प्लान बना देते थे। राइट राइट, फाइबर केबल के बारे में बता रहे थे ना, वो जरा सा बताइए ना। इस नई श्रृंखला में मैं अनु कपूर आप सब महानुभावों का स्वागत करता हूं। ये नई श्रृंखला जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के, आज का पहला एपिसोड जिसमें हमने देखा लाइफ ऑफ हमारे महानायक रियल लाइफ हीरो श्री राजेंद्र नरोत्तम सेठ की लाइफ। अब समय आ गया है कि हमारे एक मेहमान को यहां पर बुलाऊं और वो मेहमान है श्री कौशिक चौहान, ब्रांच मैनेजर, जो राजेंद्र जी की कामयाबी के सफर के साक्षी हैं, गवाह हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा चौहान, आइए स्वागत है, आइए आइए बैठ। मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवाया है, ये जो आज ये इंडिया के रियल हीरो है, आपने इनके विजन को समझा, राइट? आप कन्विंस थे इनके विजन से? मैं कॉर्पोरेट से जब दूसरी कंपनी से आया और यहाँ पर काम करना जब स्टार्ट किया तो मीन्स एक यहाँ पर एक पैशन था उनका कि हमें कैसे एक कॉर्पोरेट लेवल में हमें जाना है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हमें अपनी कंपनी को एक लेवल पे ले जाना है। तो पूरा मीन्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग उनके साथ बैठता था, पूरा प्लान हम सब प्लान बनाते थे, प्लान में समझता था, उनसे गाइडेंस लेता था, राइट? कि हमें इस एरिया में अभी हमारा नेटवर्क बनाना है, इस एरिया से हमें कस्टमर एक्वायर्ड करने हैं, ये जो स्मॉल प्लेयर्स हैं उनको हमें बातचीत करके उन प्लेयर्स को एक्वायर्ड करने हैं। तो जो भी गाइडेंस मिलता रहता था उनसे बातचीत करते थे, वो प्लान देते थे, उस प्लान पे हम एग्जीक्यूट करते थे। सो यस आई नो के मीन्स वो कैसे पैशनेट है, कैसे विजनरी है, उनके जोश में आज भी कमी नहीं। आप देखिए आज भी आंखें चमक रही है और पूरा चेहरा कुछ कर दिखाने की इच्छा है। राइट, वो फाइबर केबल के बारे में बता रहे थे ना, वो जरा सा बताइए ना मुझे ब्रेक के दौरान। सर ये एक सिंगल फाइबर ऑप्टिक केबल है जिसका कैपेसिटी पहले MB में हुआ करता था जी, फिर केबी में, केबी से MB हुआ, MB के बाद GB हुआ, GB के बाद TB हुआ, TB के बाद टेराबाइट हुआ, फिर टेराबाइट हुआ और अभी पर मिली सेकंड फाइबर 1 पेटाबाइट डेटा ट्रांसफर कर रहा है। और फाइबर का खुद का अभी इसका एक फाइबर का खुद का कैपेसिटी 32 पेटाबाइट पर मिली सेकंड है। हार्डवेयर अभी 1 पेटाबाइट तक का ही अपग्रेड हुआ है। तो यही एक ही फाइबर के ऊपर आप क्या समझते हो, आप 100 करोड़ मोबाइल के कस्टमर को आप एक ही फाइबर के ऊपर ऑल ओवर इंडिया चला सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, ये सेगमेंट यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो अपना कल्याण के साथ साथ, निज के कल्याण के साथ साथ पूरे देश का कल्याण सोचते हैं, ऐसा ही है हमारा प्रोग्राम। ऐसे ही लोगों से मिलवाता रहूंगा उस प्रोग्राम में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किससे कामयाबी के। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है पहले आता है जी, जो ये फेल हो जाते हैं। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच में देखूं बैंकिंग का तो इनको शायद कोई बैंक वाला लोन देने में हिचकिचाता। वेलकम बैक, मैं अनु कपूर। ब्रेक के बाद आप सभी महानुभावों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अब मैं यहां पे आमंत्रित करना चाहूंगा CMO एंड CRO रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के श्री संजय आठले को। मैं स्वागत करता हूं संजय जी। संजय जी स्वागत है, आज पहला एपिसोड है,
आप जानते हैं राजेंद्र भाई को, इनकी सक्सेस स्टोरी चल रही है जी। ये जो जो फंडर्स होते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं नए उद्यमियों को, उनके लिए विजन इस तरह का कितना जरूरी है? जब फाइनेंस के लिए आप अप्लाई करते हैं, कोई भी इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन अप्लाई करता है, कपल ऑफ चीज, मतलब पांच सात एक बुलेट पॉइंट की लिस्ट होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है पहले आता है जी, जो ये फेल हो जाते हैं। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच में देखूं बैंकिंग का, तो इनको शायद कोई बैंक वाला लोन देने में हिचकिचाता। पहले ये देखता है कि पहले क्या किया, तो इनका अगर मैं पहले वाला देखूं, तो इन्होंने तो एक हिस्सा धंधा बंद किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा बंद किया, तो वो शायद निगेटिव जाता अगर ट्रेडिशनल तरीके से देखें। बट इनका विजन है, इनकी आगे सोच बहुत अच्छी है, इन्होंने जाना कि फ्यूचर किस पे है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि दुनिया उसी पे चलने वाली है आगे, बहुत अच्छा मुझे आपका एग्जांपल लगा कि जैसे रोड चाहिए, ड्रेनेज चाहिए, वाटर लाइन चाहिए, वैसे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी चाहिए। टुडे रोटी कपड़ा मकान हम कहते हैं, पर रोटी कपड़ा मकान के साथ वाईफाई और बैंडविड्थ भी आज बोलना जरूरी है, बहुत जरूरी है, जो इन्होंने पहचान लिया जी। तो हम फाइनेंशियल अप्रेजल में ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। एक बात जरूर हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि किस तरह से वो आपको अप्रोच करें। मुझे बताने में बहुत खुशी है कि रिलायंस में हम एसएमईज को और उद्यमियों को ही प्रेफरेंस करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात जो भी मेरे पास आता है उनका मेरा ये एडवाइस होगा कि आपका बिजनेस प्लान क्या है, आप किस तरीके का बिजनेस मॉडल रखना चाहते हैं, आपके प्रोजेक्शंस क्या है अगले तीन साल। मैं 10 साल का नहीं पूछता हूं, बिकॉज 10 साल कोई देख नहीं सकता, बट अगले 3 साल आप क्या करना चाहते हो, साथ में टीम क्या है, विजन क्या है, चैलेंजेस क्या आएंगे और उसके लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हो। मैं जब लोन देता हूं मुझे चिंता होती है मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, और वो बहुत सही है, वैसे ही इनका बिजनेस चलना चाहिए, मेरा पैसा वापस आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच संजय जी, ये एनलाइटनिंग मोमेंट्स आपने अपने एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज शेयर की, और मैं आप दोनों महानुभाव का बहुत आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच संजय जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच राजीव जी, थैंक यू। छोटा सा मोमेंटो एक है जो संजय जी प्रदान करेंगे आज की हमारे कथा। तो यूं शुरू हुआ एक नया सिलसिला, एक नया शो, एक नई सीरीज, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। आज की हमारी कथा के नायक थे श्री राजेंद्र नरोत्तम दास सेठ। अपने देश के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य की भावना आए, अपने अधिकारों से ज्यादा हमारे जो फर्ज हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, हर क्षेत्र के लोगों के लिए बात अप्लाई होती है, हम उसमें सफल हो सके, यही मंगल कामना है। हमारे एपिसोड से आप सबको प्रेरणा मिलती रहे, हौसला मिलता रहे, इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।